मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। कराची में कोरोना का एक और केस रिपोर्ट हो गया। इस्लामाबाद से कराची आने वाले 54 साल शख्स का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया। मुतासरा शख्स से मेल जोल रखने वालों के टेस्ट लिए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध का तमाम बॉर्डर्स बंद करने का मुतालबा। सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे 30 मई तक बंद। 9वीं और 10वीं के इम्तिहान भी मुलतवी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22 हो गई। कोयटा में एक मरीज सामने आ गया। पाक ईरान तफ्तान सरहद पर करंटीना सेंटर से 1500 अफराद क्लियर करार। घर जाने की इजाजत दे दी गई। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों में तातीलात 31 मार्च तक बढ़ा दी गई। ये हकीकत है इस वायरस की कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ये नजर नहीं आता। मैचेस खत्म हो गए दुनिया के अंदर। इसको बड़ा सीरियसली लिया जाए। हम क्या इकदाम करेंगे, कैसे करेंगे, आज मुल्क को जोड़े। कोरोना के मामले पर दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया जाए। कोरोना को संजीदगी से लेना चाहिए। शहद खाकान अब्बासी का कौमी असेंबली में खिताब। राजा परवेज अशरफ ने कहा एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग ठीक तरह से नहीं की जा रही। शफकत महमूद ने बताया हुकूमत मामले की संजीदगी से आगाह है। अस्पतालों को किट्स फराहम कर दी। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है और हुकूमत फुली अवेयर है हालात के बारे में और उसको पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है। सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो स्क्रीनिंग जो शुरू की गई, को 10 लाख के करीब लोग हैं जिनको एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग जो है की गई। कोरोना वायरस के बायस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जाए या नहीं, वजीर आजम ने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुसल्ला फौज के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में तालीमी इदारे बंद करने समेत इज्तिमात पर पाबंदी लगाने, यौम पाकिस्तान परेड समेत अहम तकरीबात के हवाले से अहम फैसलों का इम्कान। इटली में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। मजीद 179 अमवात। हलाकतें 1000 से तजावुज कर गईं। 24 घंटों के दौरान 2000 नए केसेस रिपोर्ट, 15000 तक पहुंच गई। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। ईरान में भी सूरत हाल मजीद संगीन। सिर्फ एक दिन में 75 अमवात हो गईं। हलाकतों की तादाद 429 तक जा पहुंची। कैनेडियन वजीर आजम की अहलिया सूफी ग्रिगवायर में कोरोना वायरस की तस्दीक। जस्टिन ट्रूडो वायरस से महफूज। कैनेडियन वजीर आजम रजा करारा तौर पर करंटीना में चले गए। डॉक्टर्स ने वजीर आजम को निगरानी के साथ अपने मामूलात अंजाम देने की इजाजत दे दी। सूरत हाल से निपटने के लिए 1 अरब कैनेडियन डॉलर के फंड मुख्तस। दुनिया के 127 ममालिक कोरोना की लपेट में। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस से हलाकतों में इजाफा। फ्रांस में 13, अमरीका में 3 और स्पेन में 31 अफराद मजीद हलाक। दुनिया में खेलों की सरगर्मियां, अवामी इज्तिमा, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार सब मंसूख।